खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां बड़े सर थाना के एसआई ने दिखाई वर्दी का रौब दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा पर लाठियां बरसा कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा किसी काम बस बड़े सर थाना पहुंचे थे, लेकिन बड़े सर थाना के एसआई से किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर दरोगा बदतमीजी पर उतर आया। इतना ही नहीं, थाने में ही लट्ठी डंडे से पीटकर अपमानित किया। इसे पुलिस की गुंडागर्दी कहा जाए या वर्दी का रौब, ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे हजारों घटनाएं हो चुकी हैं, जब पुलिस वर्दी की रौब दिखाते हुए या तो पुलिस बेगुनाहों को फर्जी मुकदमे में फंसा डालने की धमकी देती है या मनमाना पैसा वसूलती है, और ऐसे में किसी ने विरोध किया तो बस लाठी डंडे से पीटकर अपमानित कर डालती है। कभी कभी तो आदमी ये समझ नहीं पाता है कि वह थाने आकर गलत किया या सही। जिस पुलिस के ऊपर कुछ दिन पहले फूल माला बरसाया जा रहा था, उस पुलिस की ये हाल आप खुद सोच सकते हैं, जब बड़ेसर थाना के एसआई भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। इस मामले को लेकर दुल्लापुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार पांडे ने एसआई के खिलाफ जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर को पत्रक सौंपा और यह भी कहा, एसआई के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आंसर पर बैठ जाएंगे। सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन थाने में किसी के साथ इस तरह किया गया व्यवहार किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है, मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ दुल्लापुर क्षेत्र से। आज बरेसर थाना में भाजपा के वरिष्ठ नेता को पीटा गया है, क्या पूरा मामला है इसमें? मामला जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, कल रात में अखबार के माध्यम से जानकारी हुई कि अपने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व के जिलाध्यक्ष और बड़े वरिष्ठ नेता श्रीमान राधेश्याम कुशवाहा जी थाना में कुछ काम के लिए गए थे और वहाँ पर नायब दरोगा अली हैदर या हैदर अली कुछ नाम है, उसने उनके साथ बदतमीजी तो किया ही, बाद में लाठी डंडों से उनको बुरी तरह मारा। आपके उसको पता लगा कि दिव्यांगजनों के लिए उपकरण बांटने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जो गाजीपुर जनपद के मालिक हैं वो आ रहे हैं, तो मैं मौके पर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में इस बात का मैं पत्रक दिया कि अगर उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ और उस नायब दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जिला से बरेसर थाना के लिए कूच करेगा और इस बात की जानकारी अपने जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने दे दिया है। यह अन्याय कार्यकर्ताओं के साथ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।